करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, धूप दीप करता हूँ। दैट मीन्स कि मैं बहुत ही आध्यात्मिक इंसान हूँ। नहीं, आप एक धार्मिक इंसान है, पर आध्यात्मिकता तो धर्म से भी बहुत ऊपर आता है। मुझे लगता है कि सच्ची आध्यात्मिकता उसे कहते हैं जब आपके अंदर आपकी वजह से किसी और का भला हो की भावना जन्म लेती है। अगर आपकी वजह से किसी का अच्छा होता है तो सही में आप एक आध्यात्मिक इंसान बन सकते हैं। मदर टेरेसा, जो कि एक आध्यात्मिक लेडी थी, उन्होंने हमेशा औरों के बारे में सोचा, और ये सद्भावना तो भगवान ने हर इंसान के अंदर दी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वो आपको रिवॉर्ड करता है। किस चीज से? बेहद खुशी से, बेहद सुकून से। और यकीन मानिएगा, आप कभी याद कीजिएगा कि अगर आपने सच्चे मन से कभी भी निस्वार्थ भावना से किसी की भी मदद की होगी तो डेफिनेटली दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि औरों की मदद करना शुरू कर दीजिए, और ऑफ कोर्स निस्वार्थ भावना से। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी को मदद करने के लिए कहते हैं तो उसे लगता है कि जब मैं किसी की मदद करता हूँ मतलब मेरे पास से कुछ जाता है। बट रियल डेफिनेशन, अगर किसी को हेल्प करने की या मदद करने की आप समझेंगे तो किसी की मदद करने से कभी किसी का कुछ नहीं जाता, वो सब चीजें मल्टीप्लाई होकर हमारे जीवन में वापस आता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे काम करना शुरू कीजिए, औरों की मदद करना शुरू कीजिए, और कुदरत इतनी मेहरबान है हम सब पर कि जब भी हम कुछ अच्छा छोड़ते हैं तो वो कई गुना बढ़कर हमारे जीवन में वापस आता है। हम हमेशा पूरी जिंदगी लगे रहते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने में, लेकिन अगर सही में इम्प्रेस करना ही है तो उस ऊपर वाले को करिए, क्योंकि आपका इंटेंशन कितना भी सही क्यों ना हो, दुनिया आपका प्रेजेंटेशन देखती है। पर आपका प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ऊपर वाला सिर्फ आपका इंटेंशन ही देखता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि औरों की जीवन में खुशियां फैलानी शुरू कर दीजिए। जब आप औरों को खुशियां देंगे तो आपके जीवन में अपने आप ही खुशियां आ जाएंगी। भगवत गीता में बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा गया है कि अगर इस दुनिया में कोई इंसान दुखी है तो आप लंबे समय तक सुखी नहीं रह सकते। और आज की इस दुनिया में किसी के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल ले आना, मेरे ख्याल से वो एक सबसे बड़ा आध्यात्मिक काम है। अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, एक उदास चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाए, और उसकी वजह अगर तुम हो, तो समझ लेना कि इस दुनिया का सबसे धनवान इंसान तुम ही हो। तो दर्शकों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर करिएगा, और अगर कर दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए विचार के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।